हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है द डेविल्स पाथ। यह ऑस्ट्रियन जर्मन मूवी हाल ही में रिलीज हुई है। और अगर मैं इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 6.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। और ये मूवी लोगों द्वारा काफी ज्यादा पसंद की गई है क्योंकि यह 70s के दौर के रियल इंसिडेंट पर बेस्ड मूवी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें मेरा 1K सब्सक्राइबर फैमिली पूरा करने के लिए। तो देर नहीं करते और बढ़ते अपनी मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को एक न्यूबॉर्न बेबी के साथ में खेलते हुए देख पाते हैं जो उस रोते हुए बेबी को चुप कराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी उसके घर से कोई आवाज लगाता है और वो लड़का तब उस बेबी को उसी जगह पर छोड़कर घर की ओर चला जाता है जो थोड़ी ही दूर पर था। और तब उसके जाते ही एक लेडी वहां पर आ जाती है जो शायद उस बेबी की माँ होती है। और वो उस नन्हे से रोते हुए बेबी को उठाती है और वहां से चलते बनती है। और वो तब उस बेबी को लेकर पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करने लगती है और तब वो बेबी बिल्कुल से चुप हो जाता है। तब वो लेडी अपने गले की रोजरी को निकाल कर उस बेबी के गले में पहना देती है। और जब वो लेडी उस बेबी को लेकर एकदम ऊंचाई पर पहुंच जाती है जहां से पानी बह रहा होता है, वो लेडी उस बच्ची को उसी ऊंचाई से फेंक देती है और गॉड को याद करके खुद को क्रॉस कर लेती है और वहां से सीधे चर्च की ओर बढ़ने लगती है। तब उस चर्च को खोलने वाले व्यक्ति से वो बोलती है कि मैंने क्राइम कर दिया है, जिसके बाद उसे चर्च के अंदर दाखिल कर लिया जाता है। तो दोस्तों, 70s के दौर में जस्टिस और सजा के लिए लोग चर्च पे ही निर्भर रहते थे और चर्च में ही प्रिजन हुआ करता था, इसलिए वो लेडी वहां पर गई। और उस लेडी ने ऐसा क्यों किया ये तो हमें मूवी में आगे पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है जहां पर हम उस लेडी को बड़ी ही बुरी हालत में देख पाते हैं, जिसे सजा के तौर पर एक भयानक मौत मिली थी और उसकी लाश को एक चेयर पर बिठा कर रखा गया था ताकि आते जाते हुए लोग उसे देख पाए। और उस लेडी के हाथ और पैर की उंगलियों को भी काट लिया गया था। और तभी एक आदमी आकर उसके हाथ की एक उंगली को काट कर अपने रुमाल में लपेट कर वहां से रवाना हो जाता है। और उस लेडी के बॉडी के बगल में ही उसके सर को एक केज में डालकर रखा गया था, मतलब कि उसके सर को धड़ से अलग करके उसे सजा दी गई थी। और फिर हमें उस लेडी द्वारा बोले गए उसके आखिरी शब्दों को दिखाया जाता है जिसमें वो कहती है कि मैं जिंदगी से हताश हो गई थी इसलिए मैंने हत्या कर दी। जिसके बाद हम एग्नेस को देख पाते हैं जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। और उस वक्त एग्नेस और उसकी फैमिली फॉरेस्ट में रह रही होती है अपने कैबिन में, क्योंकि उस जमाने में सारे ही लोग फॉरेस्ट में ही रहा करते थे। और एग्नेस उस दिन बहुत ही ज्यादा खुश थी और बेरीज और घास फूस फूलों से वो अपने लिए एक क्राउन तैयार कर रही होती है। और उसे इंसेप्ट कलेक्शन का भी बहुत ही ज्यादा शौक था, ये हम देख पाते हैं। और उस दिन वो घर से प्रेयर करके निकलती है क्योंकि आज कुछ स्पेशल था जो कि थी उसकी शादी, इसलिए उसका भाई और उसकी माँ एक कार्ट में उसके लिए दहेज लेकर जाते हैं जिसमें फार्म के एनिमल्स ग्रेन्स और बहुत कुछ थे। जिसके बाद चर्च में उनकी वेडिंग सेरेमनी मनाई जाती है जहाँ पर बाहर निकलने के बाद एग्नेस को लिफ्ट कर दिया जाता है और ऊपर ही ऊपर उसे पास किया जाता है जिसमें वो बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। जिसके बाद एग्नेस जब अपने हस्बैंड वुल्फ के घर पर जाती है तब आगे वुल्फ की माँ उसे नए कपड़े पहनाती है और कपड़ों से बनी एक डॉल उसे थमा कर उसे वेलकम करती है ताकि जल्द ही एग्नेस की गोद भर जाए और सभी उसके खुशहाल जीवन की कामना करते हैं। और इसके बाद बहुत सारे गेम्स भी खेली जाती हैं जहाँ पर वो एक आदमी को ब्लाइंड फोल्ड करके एक मुर्गे का शिकार करवाते हैं। और इसके बाद सारे गांव वाले नाचते गाते हैं। तब इसी दौरान वुल्फ एग्नेस को गांव से दूर लेकर चला जाता है उसे ब्लाइंड फोल्ड करके, क्योंकि उसने एग्नेस के लिए एक सरप्राइज रखा था जहां पर वुल्फ ने एग्नेस के लिए एक नया कैबिन खरीदा था जहां पर वो शादी के बाद रहने वाले थे। लेकिन उसने वो कैबिन लोन पर खरीदा था इसलिए एग्नेस थोड़ी सी चिंता में पड़ जाती है कि वो उस भारी लोन को कैसे चुकाएगा। तब वुल्फ कहता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता काम करके सारा लोन चुका देगा। तब एग्नेस को तो वो घर बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है क्योंकि वो दोनों वहां पर अकेले रहने वाले थे और वुल्फ की माँ का घर वहां से थोड़ी दूरी पर था। तब रात के सेलिब्रेशन में सारे विलेजर्स जमकर दारू पीते हैं और वुल्फ भी। तब एग्नेस देखती है कि वुल्फ एक लड़के लेंस के साथ में पीकर बिल्कुल टल्ली था और वो उससे कहता है कि लेंस बहुत हैंडसम है और लेंस भी तब कहता है कि वो भी उसे पसंद करता है। और आज के जमाने की बात होती तो आप समझ ही रहे होंगे, लेकिन तब के जमाने में इस चीज को सब नजरअंदाज कर देते हैं और एग्नेस भी तब यही करती है। तभी उसकी माँ के घर जाने का टाइम हो चुका था और इसलिए वो एग्नेस को गुड बाय बोलने के लिए बुलाते हैं। तब एग्नेस का भाई उसे उसी मरी हुई लेडी का फिंगर लाकर रुमाल में लपेट कर थमा देता है ताकि एग्नेस की मैरिड लाइफ अच्छी जाए
और जल्द ही उसकी गोद भर जाए। तब एग्नेस रात को सोते समय उस फिंगर को किस करके अपने बेडशीट के नीचे रख लेती है। और जैसे कि एग्नेस और उसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा रिलीजियस थी, वो इन सब चीजों में बहुत ही ज्यादा बिलीव करते थे और हर काम से पहले प्रेयर्स करते थे। तब जैसे ही वुल्फ बेडरूम में आता है, एग्नेस अपने फर्स्ट नाइट के एक्साइटमेंट में पहले हाथ बढ़ाकर उसे अपने करीब लाने की कोशिश करती है, लेकिन वुल्फ की हरकतों से तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे एग्नेस के साथ में इंटीमेट होने में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, क्योंकि वो एक बार ट्राई करने के बाद सो जाता है जब उससे नहीं होता था। तब एग्नेस सोचती है कि हो सकता है कि आज उसने ज्यादा पी रखी है इसलिए वो सो गया होगा, और तब एग्नेस भी उदास होकर सो जाती है। और जब सुबह उसकी नींद खुलती है तब वुल्फ बेड से गायब होता है, इसलिए तब एग्नेस कपड़े पहनकर उसे ढूंढने निकल पड़ती है। और जब वो वुल्फ के बारे में कुछ बच्चों से पूछती है तब वो बच्चे उसे आधे रास्ते में ही छोड़कर छुप जाते हैं सिर्फ उसे परेशान करने के लिए। तब चलते चलते एग्नेस एक जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वो स्टार्टिंग वाली महिला के पोस्टर को देख पाती है कि उसने उस बच्चे को किस तरह से मारा था, और उस जगह को भी जहां पर उस लेडी को बिठा कर रखा गया था ताकि सारे लोग उसे देख सके। तब एग्नेस ढूंढते हुए आखिरकार पहुंच ही जाती है वुल्फ के पास, जो नदी के किनारे मछलियां मार रहा होता है। और तब उसकी माँ उसे देखते ही जल्द से जल्द उसे हाथ बटाने के लिए बोलने लगती है पहले ही दिन, और वो एग्नेस से उम्मीद करती है कि वो सारा काम परफेक्टली करे, जबकि एग्नेस ने वो काम कभी करा ही नहीं था इसलिए उससे वो काम हो नहीं पाता। और जब लंच का टाइम होता है तब एग्नेस एक लेबर के मांगने पर उसे दो बंस दे देती है। तब वुल्फ की माँ उसे इसके लिए भी मना कर देती है। और घर आने के बाद जब एग्नेस खाना पकाती है तब उसके खाना पकाने के तरीके में भी वो नुक्स निकालती रहती है। मतलब सारी सासू माओ का ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है कि बहू के काम में नुक्स निकालो। लेकिन उनके जाते ही एग्नेस सारी चीजों को वैसे ही रख देती है जिससे उसे खाना पकाने में आसानी हो। तब दूसरी रात को भी वुल्फ फिर से उसके साथ में इंटीमेट नहीं होता, जिससे शायद उसे बच्चे पाने की इच्छा कभी पूरी ही नहीं हो पाएगी, और इसलिए वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और इस बात से वो पूरी रात जागती ही रहती है। इसलिए वो दूसरी सुबह चर्च में जाके जीसस के मोम के पुतले के आगे प्रेयर्स करती है, जिसके बाद वुल्फ की माँ एग्नेस को नदी के किनारे लेकर जाती है कपड़े धोने के लिए। और वहाँ पर वुल्फ की माँ एक लड़की को देखकर उसकी ओर इशारा करती है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, जो उस जमाने में एक श्राप की तरह था। और एग्नेस को तब वहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी मिल जाती है जिसके साथ में वो घुल मिल जाती है, और वो उसके साथ में ही कपड़ा धोती है, और वो दोनों काफी देर तक बातें भी करते हैं, जिसके बाद एग्नेस खुद को घास में सोया हुआ पाती है क्योंकि शायद वो काम करके बहुत ही ज्यादा थक गई थी और उस वक्त शाम ढलने ही वाली होती है। तब एग्नेस जल्दी से जल्दी घर पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो घर पहुंचती है तब वो वुल्फ को घर पर डिनर करते हुए देखती है, और वुल्फ की माँ तब गुस्से में एग्नेस को एक भी काम छूने नहीं देती। और एग्नेस तब डर के मारे बहाना बनाती है कि वो अपने माँ के साथ में प्रेयर्स कर रही थी। तब वुल्फ की माँ उससे कहती है कि अगर वो अपने पति को खाना बनाकर नहीं खिलाएगी तो गॉड उससे नाराज हो जाएंगे, जिसके बाद एग्नेस बर्तन धोने चली जाती है। और इस दौरान वुल्फ एग्नेस के इंसेक्ट कलेक्शन को आग में लाकर झोंक देता है। एग्नेस तब घर में आने के बाद वुल्फ से पूछती है कि क्या उसकी माँ रोज उनके घर आएगी और क्या वो उन्हें पसंद नहीं करती। तब वुल्फ कहता है कि वो उसे पसंद करती है और वो तो सिर्फ घर आई थी फिश हेड्स को देने के लिए। और तब तीसरी रात को भी वुल्फ एग्नेस को रिजेक्ट कर देता है। तब एग्नेस दूसरी सुबह जल्दी से जल्दी उठती है सबके नदी पहुंचने से पहले ही, ताकि वो मछलियां पकड़ सके और वुल्फ और उसकी माँ को खुश कर सके। इन बेचारी का पैर कीचू में फंस जाता है, जिसके लिए वुल्फ और उसकी माँ उसे बहुत डांटते फटकारते हैं कि अगर वो पानी में डूब जाती तो क्या होता। पर एग्नेस को तो वहां पर फिश तो नहीं मिलती, पर उसे एक कैटल का स्कल मिल जाता है जो उनके रिलीजन में एक बैड साइन था। और तब उसी रात वुल्फ के दरवाजे पर कोई आकर उसे जल्दी से जल्दी लेकर चला जाता है, और एग्नेस तभी किसी के रोने की आवाज सुनती है, इसलिए वो भी चुपके से वुल्फ के पीछे जाती है। और वो देखती है कि वो आवाज तो लेंस के घर से आ रही थी, क्योंकि लेंस ने आत्महत्या कर ली होती है और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा रो रही होती है उसकी मौत की वजह से, क्योंकि वो चाहती थी कि वो लोग उसकी लाश को ना ले जाए क्योंकि वो उसे दफनाना चाहती थी। लेकिन तभी दुखी वुल्फ लेंस की लाश को एक काट पर लाता है और उसे यूं ही कहीं बंजर जमीन पर फेंक देता है जहां पर मरे हुए जानवरों को फेंका गया था।
और अब नेक्स्ट सीन में हम चर्च में प्रिस्ट के समन को सुनते हैं, जहां पर वो सबको बता रहे होते हैं कि लैंस ने जो किया है वो बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि अगर गॉड ने हमें जीवन दान दिया है तो हमें अपनी मर्जी से उसे खत्म करने का कोई अधिकार नहीं है, और आत्महत्या तो मर्डर से भी बड़ा पाप है, इसलिए उसे दफनाया नहीं जा सकता। और आगे वो कहते हैं कि जिस औरत ने अपने बच्चे को पहाड़ों के ऊपर से फेंक कर मार दिया, उसे तो बल्कि गॉड ने अपने शरण में ले लिया, क्योंकि उसने अपना कन्फेशन दे दिया था एग्जीक्यूशन से पहले ही। और तब एग्नेस जब लैंस की लाश को कूड़े में पड़ा हुआ देखती है, तब उसे बड़ा ही दुख होता है। ये सोच कर कि बेचारे लैंस को जमीन में दफनाया भी नहीं गया और उसके लाश को तो चील कौवे नोच नोच कर खाएंगे। और तब उसी दिन फील्ड में काम करते समय एग्नेस को पीरियड्स आ जाते हैं, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। और तभी उसकी प्रेग्नेंट फ्रेंड जो उसके साथ में काम कर रही होती है, जब वो उससे दो बंस मांगती है क्योंकि उसे ज्यादा भूख लगती है, तब वो देने से मना कर देती है, क्योंकि वो सिर्फ अपने सास को इम्प्रेस करना चाहती थी और उसके जैसा बनना चाहती थी। तब अपनी फ्रेंड को ना करने के बाद वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि वो तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, और ऐसा बोलने के लिए वो चिड़चिड़ेपन में अपने जीभ को ही हर्ट कर लेती है, जिसके बाद वो उसी मरी हुई महिला के पास बैठी रहती है। और वो घर लेट पहुंचती है, जहां पर वो आते ही घर से बाहर ही अपने सास की तुच्छ बातें सुनती है। वो कह रही होती है कि एग्नेस को कोई समय का खबर ही नहीं है और उसे तो तुम्हारी चिंता ही नहीं है। तब वो उसके बचाव में कहता है कि एग्नेस अभी नई नई है, इसलिए वो रास्ता भटक जाती है। तब उसकी सास कहती है कि वो तो एक बोझ की तरह है जो बच्चे भी नहीं पैदा कर सकती। तब एग्नेस ये बातें सुनकर और भी ज्यादा दुखी हो जाती है और पूरी रात उसे सर कटी महिला के डेड बॉडी के पास ही बैठकर प्रेयर्स करती रहती है, क्योंकि एग्नेस को उस चीज की सजा मिल रही थी जो उसने कभी किया ही नहीं था, क्योंकि उस जमाने में औरतों का बांझ होना एक श्राप की तरह था। लेकिन एग्नेस के केस में ये बात अलग थी, क्योंकि एग्नेस की कोख सुनी होने का जिम्मेदार तो वुल्फ था और ताने एग्नेस सुन रही थी, और तब के जमाने में वो ये बातें किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। और तब सुबह वो अपने मायके चली जाती है इन सब से तंग होकर, और जब उसका भाई बांध में आता है तब उसे सोया हुआ पाता है जानवरों के बीच में। और जब वो उससे पूछता है कि वो घर वापस क्यों नहीं जाना चाहती, तब वो कहती है कि उसे वहां पर डर लगता है। तभी सुबह वुल्फ आकर एग्नेस को घर ले जाने की कोशिश करता है, जबकि एग्नेस घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो चीखने चिल्लाने लगती है और जमीन पर लेट जाती है। लेकिन वुल्फ तब जबरदस्ती उसे बेहोश करके घर उठा ले जाता है, और घर पर वुल्फ की बकरी सड़ा हुआ खाना खाकर इन्फेक्टेड हो गई थी, जिस वजह से उसकी डेथ हो जाती है, जो उनके लिए एक लॉस था। जिसके बाद वुल्फ की माँ बड़ी बेरुखी से एग्नेस को कपड़े पहनने और बाल संवारने के लिए बोलती है, और एग्नेस तब अपने बाल संवारते संवारते नोचने लगती है। जिन हरकतों को देखकर तब वुल्फ उसे बार्बर के पास लेकर जाता है, क्योंकि उस समय पर वो बार्बर ही एक तरह से डॉक्टर माना जाता था। और वहां जाकर एग्नेस के इलाज के तौर पर उसके बॉडी के ऊपर लीचिस को डाल दिया जाता है, और उसके नेक पर वो बार्बर एक घोड़े के बाल को सुई से डालकर निकाल देता है, जो काफी ज्यादा पेनफुल था एग्नेस के लिए। और वो एग्नेस से कहता है कि उसे इस बाल को समय समय पर साइड टू साइड मूव करते रहना होगा, ताकि घाव थोड़ा गहरा हो जाए और उसके दिमाग से पॉइजन और नेगेटिव एनर्जी निकलती रहे। और तब वहां से लौटते समय रास्ते में एग्नेस को एक बेबी मिल जाता है, जो वो घर उठा लाती है ईश्वर के वरदान के तौर पर। लेकिन वुल्फ और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, और वो उससे कहते हैं कि वो उस बच्चे को उसी जगह पर छोड़कर आ जाए, क्योंकि उसके माँ बाप उसे ढूंढ रहे होंगे। तब एग्नेस डर के मारे वैसा ही करती है, और अब तो उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ती ही जा रही थी अकेले होने की वजह से, क्योंकि वुल्फ तो उसके साथ में रह नहीं पा रहा था, और अगर उसके पास एक बच्चा होता तो वो डिप्रेशन में ना जाती, और इसलिए वो तब खुद को खत्म करने के तरीके अपनाने लगती है और थोड़ा थोड़ा रेड पॉइजन चाटने लगती है। और वो तब अपने प्रेयर रूम में पड़े पड़े बहुत ही ज्यादा रोती है, और तब हम उसके मुंह से मॉक्स को निकलते हुए देखते हैं। और तभी वो अपने घर के नीचे एक टनल के जरिए चर्च तक पहुंच जाती है, और वो बेबी जीसस के मोम के पुतले को वहां से उठा लाती है, जो फ्लेम की वजह से जैसे ही पिघलता है एग्नेस डर के मारे रोने लगती है, और तभी उसे उल्टियां होने लगती है। और जब वो घर से बाहर निकलती है उल्टियां करने के लिए, तो वो बाहर जमीन पर खुद की लाश को गड़ा हुआ देखती है। लेकिन ये सब तो सिर्फ एग्नेस का एक नाइटमेयर था, क्योंकि वुल्फ तब आकर उसे जगाने लगता है। तब नींद खुलने के बाद वो फिर से रेड पॉइजन चाटती है और खूब उल्टियां करती है लेटे लेटे ही। तब वुल्फ जैसे ही उसके पास आता है, वो वुल्फ से प्रिस्ट को बुलाने के लिए बोलती है, क्योंकि वो कन्फेशन करना चाहती थी। लेकिन जब वुल्फ प्रिस्ट के बिना ही घर आ जाता है, तब एग्नेस को लगने लगता है कि कहीं वो कन्फेशन के बिना ही ना मर जाए और उसकी भी लाश कहीं लेंस की तरह ही बाहर ना सड़े।
इसे वो वुल्फ से बता देती है कि उसने जहर खा लिया है। तब वुल्फ उसे जबरदस्ती उल्टियां करवा देता है, जिस वजह से उसकी उस वक्त जान बच जाती है। और उसकी माँ तब आकर एग्नेस के कपड़े बदलती है, और तब इसके बाद वुल्फ एग्नेस को उसके मायके छोड़ाता है, जहाँ पर वुल्फ एग्नेस की माँ से बताता है कि एग्नेस डेविल्स बात में है, मतलब कि वो डेविल के इन्फ्लुएंस में है, जिस वजह से वो खुद को खत्म करने की कोशिश कर रही है। तब दूसरे ही दिन हम एग्नेस को मौत को खाते हुए देखते हैं, मतलब कि उसका दिमाग अब पूरी तरह से खिसकता जा रहा है। और मौत एक मेटाफोर है जो उसकी जिंदगी को दर्शाता है, मतलब कि जब वो मौत खुशी से उड़ रहा था तब तक तो एग्नेस की जिंदगी में खुशियां थी, और अब वो अपनी जिंदगी को खुद खा रही है, या फिर कहे वो अपनी जिंदगी को खत्म करने जा रही है। जिसके बाद वो अपनी माँ और अपने भाई को एक तरह से गुड बाय करती है, और गॉड से प्रेयर करने के बाद वो निकल पड़ती है फॉरेस्ट में, जहाँ पर वो कुछ बच्चों को खेलते हुए देखती है, और वो तब एक बच्चे को साथ प्रेयर करने के लिए चलने के लिए बोलती है, जिसके बदले वो उसे पेमेंट करने का भी वादा करती है। जिस लालच में वो बच्चा उसे श्राइन तक लेकर जाता है, और जैसे ही वो बच्चा प्रेयर करने लगता है एग्नेस उसके गले पर नाइफ से स्टैब कर देती है, लेकिन वो बच्चा तब उस एक वार को तो झेल लेता है और चीखने चिल्लाने लगता है हेल्प के लिए। तब उसकी आवाज को पूरी तरह से बंद करने के लिए एग्नेस उसे दोबारा से मारती है, और उसके गले को पूरी तरह से चीर कर उसे खत्म कर देती है, ये कहकर कि वो अब एंजल बनेगा। और एग्नेस तब उस मूवी के स्टार्टिंग वाली लेडी की तरह चर्च में जाकर वही सब कहती है, और उसे अंदर दाखिल कर लिया जाता है, जिसके बाद प्रिजन में उसके बालों को काट दिए जाते हैं, और कुछ समय बाद कन्फेशन के लिए उसकी अर्जी लग जाती है, जिसके बाद वो प्रिस्ट को अपना कन्फेशन देती है, ये कहकर कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहना चाहती, और इसलिए उसने मुक्ति पाने के लिए उस बच्चे की हत्या कर दी, और वो अपने हर कर्म के लिए माफी मांग रही थी और कह रही थी कि उसे नर्क में नहीं जाना। तब प्रिस्ट उसके कन्फेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और एग्नेस को तब समझ में नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए, जिस वजह से वो जोर जोर से हंसती भी है और जोर जोर से रोने भी लगती है, जिससे हम उसके बिगड़े हुए मानसिक संतुलन को समझ पाते हैं। तब दूसरे ही दिन एग्नेस को चर्च अथॉरिटीज द्वारा जानवर की खाल में लपेटकर उसका जुलूस निकाला जाता है, जहां पर सारे गांव वाले जुटे हुए थे जो उसे गालियां दे रहे थे, और उसे तब घसीटकर अल्टर तक ले जाया जाता है एग्जीक्यूशन के लिए, और चेयर पर बिठाकर उसके चेहरे को कपड़े से ढक दिया जाता है। तब एग्नेस मरते मरते गाना गाने लगती है, और भीड़ में से एक बच्ची उसके साथ वही गाना गाने लगती है, लेकिन गाना खत्म होने से पहले ही एग्नेस के सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है, और उसका सर जाकर जमीन पर गिर पड़ता है, और उसके गले से खून के फव्वारे निकलने लगते हैं, जो वो सारे लोग बकेट में कलेक्ट कर लेते हैं, और एग्नेस के खून को पीने के लिए तब पूरी भीड़ उमड़ पड़ती है जो पैसों से बिक रहा था, क्योंकि उनके रिलीजन में माना जाता है कि उस खून को पीने से उनके जीवन में खुशियां आएंगी और सबको मुक्ति मिल जाएगी। और इस दौरान नाचना बजाना भी जारी होता है, और उस समय पर ऐसे तमाम अनगिनत केसेस थे जिसमें मरने वाले सिर्फ महिलाएं और बच्चे थे, और ये हत्याएं महिलाओं ने सिर्फ इसलिए करा था क्योंकि उन्हें नर्क में नहीं जाना था। और इस तरह की हत्याओं के बाद उन महिलाओं के पोस्टर्स लग जाते थे, और ऐसा महिलाएं इसलिए मजबूरी में करती थी क्योंकि कैथोलिक मान्यताओं के अनुसार महिलाएं डाइवोर्स नहीं ले सकती थी। और अगर हम बात करें वुल्फ की, तो वो और लेंस एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन उस जमाने में लोग ऐसे लोगों को बुरा व्यक्ति मानते थे, इसलिए लेंस ने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो समझ चुका था कि अब उनके रिश्ते का कुछ भी नहीं होने वाला। और एग्नेस के साथ में जो हुआ वो उस जमाने में तमाम लड़कियों के साथ में हुआ था, इसलिए ये मूवी इंटरेस्टिंग है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।